10 स्टॉक्स जो आपको फ्यूचर में रिच बना सकता है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे एक हेल्दी स्टॉक की बकेट लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा दोस्त प्रफुल भी इन्वेस्ट करता है, और हम दोनों ने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप भी इस बकेट लिस्ट का फायदा उठा सको। इस वीडियो में कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 एक बवंडर से कम नहीं है, लेकिन इस बवंडर ने शेयर मार्केट में लिटरली 80% का प्रॉफिट भी कमाया है। कोरोना पैंडेमिक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न कमाए हैं, और जिन लोगों ने प्री पैंडेमिक इन्वेस्टमेंट किया है उनकी तो चांदी ही चांदी है। जिस किसी में भी फर्स्ट पैंडेमिक में इन्वेस्ट नहीं किया वो इस पैंडेमिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरी बकेट लिस्ट बताने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक बढ़ता हुआ सब्सक्राइबर भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है। और वीडियो अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, तो ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सो अगले 5 सेकंड में ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 आई होप आपने ये वीडियो शेयर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 L&T। रिसेंटली डिक्लेयर हुए बजट में L&T को सबसे बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस में चुना गया है। पिछले कुछ साल इस कंपनी के लिए ना कि शानदार साबित हुए, लेकिन इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की ताकत भी दिखाई है, और इस कंपनी में वेरियस सेक्टर में वैल्यू प्रोवाइड करके देश का नाम भी ऊंचा किया है। L&T ने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 14% का ROI डिलीवर किया है, एंड पीरियड ऑपरेटिंग मार्जिन 5% से ज्यादा है। फिर भी इस कंपनी में 15 times से कम PE के साथ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बिजनेस करना जारी रखा। सेकेंड, डॉक्टर रेडीज। COVID-19 में मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता के साथ ड्रग्स यानी मेडिसिन की भी डिमांड बढ़ रही है, और इसके कारण डॉक्टर रेडीज जैसे अच्छे खिलाड़ियों की सेलिंग भी बहुत बढ़ चुकी है। इस कंपनी ने पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली 14% CAGR पर स्टेबल नेट प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर्ड रखने में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। नंबर 3, डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब भी COVID-19 में टेस्टिंग डायग्नोस्टिक वॉल्यूम्स में राइजिंग कर रहा है, लेकिन ये कोविड के लिए सिर्फ नहीं था, ये अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो के लिए एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हर साल 30% ROCES दिया है। नंबर 4, विनाती ऑर्गेनिक्स। सिमिलर टू फार्मा कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। इंडिया एंड चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वॉर के कारण भारत में एक्सपोर्ट में तेजी आई है, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए विनाती ऑर्गेनिक्स IBB के लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इस कंपनी में पिछले 10 साल में 35% से अधिक ROCES डिलीवर किया है, एंड 24% CAGR पर ग्रोथ प्रॉफिट बढ़ाया है। 5th, पीडीलाइट लिमिटेड। केमिकल इंडस्ट्री में ये एक होनहार खिलाड़ी है। इस कंपनी के पास इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एडेसिव के साथ साथ एसोसिएट सॉल्यूशन भी मिलता है। लगातार बेहतरीन शेयर होल्डर रिटर्न देने के कारण इस कंपनी में अपने पोजीशन को लेके प्रॉफिट कमाया है, और अपने पोर्टफोलियो को लेके एक अच्छा बिजनेस भी लाया है। इन सब कंपनीज के अलावा अपने पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक्स जोड़ने के लिए एक मिड कैप IT कंपनी भी लाया हूँ, जो की नंबर 6 पे है, कॉफर्ज। कॉफर्ज एक अच्छा पीक स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये अपने डील विंग्स में कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग पोजीशन पे रहा है, एंड BPM और डिजिटल सॉल्यूशन स्पेस में अपनी क्षमताओं को बूस्ट करने के लिए अर्निंग पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसके कारण शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। जगह जगह जब टेक का बबल फूटता है स्टॉक मार्केट में और अप एंड डाउन्स का साइकिल चलता है, तब लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न देने के लिए कॉफर्ज एक अच्छी कंपनी है। नंबर 7, कोटक महिंद्रा बैंक। पैंडेमिक के बीच में गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कोई भी बिजनेस को, कोई भी स्टार्टअप को क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से हो जाए। इनफैक्ट RBI ने लोन इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने महामारी के शुरुआत में ही फंडिंग्स जमा करनी चालू की थी, और इनके पास एक अच्छी खासी फंडिंग है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, लोन देते समय कोटक महिंद्रा बैंक अत्यंत सतर्क रहता है। मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक अपने बुक्स की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए जाना जाता है। कोटक महिंद्रा का स्टॉक 10 वर्षों से प्रॉफिट में 20% प्लस CAGR ग्रोथ लेकर आया है। नंबर 8, HDFC लिमिटेड। लोअर रेट से बेनिफिट होने वाला HDFC लिमिटेड एक अच्छा उदाहरण है। MBFC के पास ब्रांड, एक लीडरशिप टीम और लोन में मार्केट हिस्सेदारी है, जो इस बैंक को एक सस्टेनेबल लीडर बनाता है। 9, SBI लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई है। एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ इन स्टॉक्स में पाई गई है। LIC के बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस एक लीडिंग APE ग्रोथ जो कि 20% से ऊपर है। कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर का कमांड देती है, एंड प्रॉफिट गेन करना जारी रखती है, क्योंकि ये सेलिंग में एंड प्रोडक्ट गेन करने
करने में माहिर है। इंश्योरेंस में FDI की लिमिट्स बढ़ने के कारण SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनी अब फायदे में है। एंड लास्ट आता है CDSL। लॉकडाउन में कई लोगों को घर में बैठने के लिए मजबूर किया है और इससे डीमैट अकाउंट में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ पाई गई है और इन सब में CDSL एक अपस्केल एंड बेनिफिट वाला स्टॉक साबित हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के साथ एकाधिकार में होने के नाते CDSL ने अपने लिए एक मजबूत मार्केट तैयार किया है और डेफिनेटली ये कंपनी रेवेन्यू गेन करेगी क्योंकि मार्केट दिन ब दिन मैच्योर होता जाएगा और इसमें वॉल्यूम्स और भी बढ़ते जाएंगे। सो ये थी हमारी बकेट लिस्ट जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और हम ओपनली आपको भी बता रहे हैं ताकि इसमें इन्वेस्ट करके आप भी फायदा ले सको। इसी तरह आप भी अपनी खुद की एनालिसिस करके अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। सो ये वीडियो अपने फैमिली में एंड दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। स्टे होम, स्टे सेफ।